नमस्कार दोस्तों, सब क्रिकेट देखने वाले लोगों के लिए, पूरे विश्व भर में के लिए आज एक खबर है। खबर यह है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में एक संदेश जारी किया। आइए उनका सबसे पहले उनका एक मैसेज पढ़ लेते हैं जो उन्होंने ट्विटर पर रिलीज किया। उस मैसेज में उन्होंने क्या लिखा है, इट हैज बीन 7 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, टॉयल एंड रिलटेंट It has been 7 years of hard work, toil and relentless perseverance, everybody, to take the team in the right direction. I have done the job with absolute honesty and left nothing out there. Everything has to come to a halt at some stage. And for me as a test captain of India, it's now there have been many ups and also some downs along the journey, but never has there been a lack of effort or lack of belief. I've always believed in giving my 120% in everything I do. If I can't do that, I know it's not the right thing to do. I have absolutely clarified my heart and I cannot be dishonest to my team. I want to thank BCCI for giving me the opportunity to lead my country for such a long period of time, and more importantly, to all the teammates who bought into the vision I had for the team from the day one and never gave up in any situation. You guys have made this journey so memorable and beautiful. To Ravi Bhai and the supports group, who were the engine behind this vehicle that moved up to birds in test cricket consistently, you all have played a massive role in bringing the vision to life. Lastly, a big thank you to MS Dhoni, who believed in me as a captain and found me to able individual who could take Indian cricket forward. ये उनका message था, और इस message के बाद अब एक तरह से एक क्या कहे, एक युग का एक तरह से खत्म हो गया है। 7 साल में विराट कोहली ने जो सपना देखा था, विराट कोहली जिस तरह के क्रिकेट खेलते थे, उसने देश को बहुत कुछ दिया है। एक बैट्समैन होके 5 बॉलर खिलाना, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बैट्समैन होके उन्होंने 5 बॉलर खिलाने की थ्योरी पर उन्होंने शुरू किया कि हम एक बैट्समैन शॉट खेलेंगे, हम जितने हैं उतने से काम चलाएंगे, पर हम 5 बॉलर लेके चलेंगे, हमें 20 विकेट चाहिए। उस वक्त तक हम जानते थे 3-0, 5-0 से हमारी टीमें हारने वाला एक हमारा वो दौर चल रहा था। उस बीच में अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, अपने बॉलर्स आइडेंटिफाई करना कि मुझे पेस बॉलर चाहिए, शमी जो थे और नहीं थे उनको वापस लेके आए, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक हमें बनाना है। जसप्रीत बुमराह को, जो साउथ अफ्रीका से उनके टेस्ट करियर की तरह से शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी उन्हें कम से कम उन्होंने उस टीम मैनेजमेंट ने, रवि भाई भी साथ में थे, उन्होंने 2-3 महीने पहले बता दिया कि तुम्हें इंडिया में टेस्ट मैच सीरीज में नहीं खिला रहे हैं, तुम सीधा साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलोगे। उनको वहां खिलाया, बीच में कई बार अश्विन को ड्रॉप किया, तो बात उठता था कि अश्विन को ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, कि जब हमारे अगर 5 बॉलर के सेटअप में अगर वो नहीं फिट बैठ रहे थे, नहीं खिला रहे थे। और हमेशा इस बात में बिलीव किया कि वो हम इंडिविजुअल किसी भी प्लेयर को एक तरह से अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है, वो नहीं अगर आपके किसी खांचे में, तो हम उसको नहीं खिलाएंगे। उसमें कोई देश सबसे पहले है और हमारे लिए क्रिकेट सबसे पहले है, वो बात बहुत पुख्ता तरीके से उन्होंने सामने रखी। धोनी भी यही मानते थे। धोनी, आप देखेंगे धोनी अपनी टीम में कभी बदलाव नहीं करते। मैं दोनों के कैप्टनसी स्टाइल को लेके मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। धोनी अपनी टीम को बना के रखते हैं और उसी से खिलाना पसंद करते हैं। विराट कोहली हमेशा ही धोनी से बेटर रहे टेस्ट क्रिकेट टीम में, क्योंकि वो टेस्ट के लिए उनका जो पैशन था, और जो एक तरह से एक एवरेज टेस्ट क्रिकेट टीम बन के नहीं रहना है, वी हैव टू बी द बेस्ट, ये जो उनका मंत्र था उसके साथ उन्होंने खेला। और बहुत दामन में जो छोटे मोटे उनके कमेंट्स को लेके और ओवर अग्रेसिवनेस को लेके कई तरह के सवाल उठते खड़े रहे, वो उनका कोई भी फैन भी शायद, जैसे कल परसों जो स्टंप माइक पे हुआ, उस चीज को लेके कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो एक खराब मोमेंट था, उसको शायद वो जब श्रृंखला के बाद कभी भी जब पीछे बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो मानेंगे कि हाँ, दैट वाज नॉट ए, वो कुछ ऐसा था जिसको वो हमेशा अवॉइड करना चाहेंगे। इन सब के साथ एक चीज़ और कहूँगा, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा ज़रूर, क्योंकि अब वो मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का, शायद जब कभी होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब एम एस धोनी को कप्तानी मिली थी। एम एस धोनी वेस्टइंडीज में कप्तान बन के गए थे, मैं उनका पहला दौरा था शायद एज ए कप्तान, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पे। और उस दौरे के वक्त पे भारत की टीम को 200 कुछ रन बनाने थे, मैं पूरे आंकड़ों के साथ आपके पास जरूर आऊंगा, 200 कुछ रन बनाने थे, आखिरी दिन था, और भारत की टीम ने वो मैच ड्रॉ कर लिया था। हमने 120-15 कुछ रन बनाए, 2-3 विकेटें थी, और हमने वो मैच खत्म ड्रॉ कर लिया।
ऐसे फैन बहुत बुरा लगा कि वेस्ट इंडीज में हम नहीं जीत पा रहे थे सालों से, हम अच्छे टूरिंग टीम नहीं थे। खैर अब तो कोई भी अच्छी टूरिंग टीम नहीं है, तो कि एक मौका आया था पहला टेस्ट में जीतने का, हमने वो छोड़ क्यों दिया? तो धोनी ने कहा था कि ये अब ऐसा है कि अभी हम विकेट ट्रिकी था और हम ज्यादा अगर एफर्ट करते थोड़ा रन रेट बढ़ाने की बढ़ाकर खेलने की कोशिश करते हम आउट हो सकते थे और मैच हम हार सकते थे, तो हम मैच का टूर की शुरुआत हार के साथ नहीं करना चाहते थे, अपनी जगह वाजिब था। अब वो साल जब विराट कोहली कप्तान बने, जब एक टेस्ट मैच हमने बमुश्किल से बचाया था, शायद हार गए थे, और धोनी ने कहा कि इट्स टाइम किसी और को टेक ओवर करना चाहिए। बीच सीरीज में कप्तान बदला गया था, बीच सीरीज में विराट कोहली कप्तान बने। कप्तानी जैसी भी रही हो, अब इंटेंट के नाम पे जो मुझे जो हमेशा दिमाग में, अब कई बार आपको रिजल्ट आपके लिए छोटे पड़ जाते हैं, जब आप एफर्ट देखते हैं तो आपको एफर्ट बहुत बड़ा लगता है। एक इंटेंट के तौर पे आप देखिए, 300 350 रन का टारगेट था, केएल राहुल और विराट कोहली लास्ट दिन उनको बैटिंग करनी थी और वी वेंट फॉर द टारगेट। उससे पहले मैंने नहीं देखा कभी भी कि इंडियन क्रिकेट टीम 300 रन के लिए हमेशा टेस्ट बचाने में जाती, वो टारगेट के लिए गए। एक समय इस पोजीशन में थे कि हम इंडिया बहुत आसानी से तो नहीं पर कुछ मुश्किल के साथ वो एक अच्छी मेमोरेबल विन लेके आ सकता था। समहाउ एक विकेट गिरा, फिर कुछ और विकेट धड़ाधड़ गिरते गए और फिर हम वो मैच वहां पे हम हार गए थे। बट उस चीज ने ये साबित कर दिया कि ये कप्तान अलग सोचता है। ये कप्तान सिर्फ एक कि मैच सीरीज हम हार रहे हैं, एक मैच बचा के निकल जाओ, नहीं, मैच हार जाएंगे कोई बात नहीं, हम इंटेंट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, अगले कुछ कई सालों की है, जिस तरह हम अपनी क्रिकेट टीम को बिल्डअप कर रहे हैं। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका वो कमिटमेंट था जो दिखा। उनके नाम पे बड़ी ट्रॉफी नहीं आई, टेस्ट क्रिकेट के नंबर वन टीम बने, काफी समय तक बने रहे, आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई, उसका मलाल उन्हें भी होगा, पर शायद क्योंकि वनडे क्रिकेट की कप्तानी उनके पास नहीं थी। टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम को एक जगह लेके जा चुके थे और इसके बाद अब कोई एक बड़ा दौरा नहीं है अगले एक साल तक, हमें अपने घर पे ही खेलना है, जो कुछ मैचेस खेलने हैं, एक इंग्लैंड के साथ एक मैच होगा, एक मैच की कप्तानी कोई और भी कर लेगा और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है उस तरीके से। तो शायद एक सही समय पर उन्होंने फैसला लिया, एक साल रुक सकते थे मे बी, बट शायद ये टाइम है कि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए कप्तान को आप टाइम दे उसे टीम बिल्डअप करने की, और एज ए बैट्समैन शायद जैसा वो खेल रहे हैं और अच्छा खेलेंगे। इस सबके साथ ही उनके निर्णय का सम्मान करते हुए, जिस जो आदमी क्रिकेट फील्ड पे इतना इंटेंस रहा हो, एक भारी मन के साथ सबके लिए चौंकाने वाला फैसला है। मगर अब विराट कोहली कप्तान नहीं होंगे टीम के, तो हाँ एक एक ऐतिहासिक क्षण तो है ही, इसको हम एक चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद नए कप्तान के तेवर कैसे होते हैं वो देखने वाली बात होगी, किसको कप्तान बनाया जाता है, क्या अजिंक्य समहाउ सरवाइव कर जाते हैं, पर अजिंक्य को तो नहीं रखा वाइस टेस्ट आप कप्तान, तो आपने केएल राहुल को बनाया, पर केएल राहुल की कप्तानी में अभी समय है, बेहतर होगा रहाणे को आप कुछ डोमेस्टिक सीरीज में बना लीजिए। खैर अभी बहुत लंबी डिबेट है ये, कभी किसी और दिन के लिए, अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।